गेम का किस्मत मैंने पलट दिया है, भैया का सारा गुट्टी काट के मैंने अंदर कर दिया। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है संडे, और गाइज पिछले कुछ संडे से मैं बार बार ऑफिस ही चला जा रहा था, तो हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पा रहे थे। लेकिन गाइज आज हम लोग घूमने जाएंगे, भैया का प्लान बनाए कि हम लोग चलेंगे कहीं बढ़िया जगह घूमने के लिए। तो गाइज अभी आज हम लोग थोड़ा सोखे भी लेट उठे, गाइज 10 बजे का सोखे उठने में। तो अभी गाइज थोड़ी देर पहले मैं सोखे उठा हूँ, तो अभी चलते हैं गाइज, थोड़ा फ्रेश वेश होकर नहा वहा के आते हैं। और वैसे भाभी गाइज आज बहुत बढ़िया से कुछ ब्रेकफास्ट बना रही है, तो पहले मैं चलता हूँ, चलते हैं वॉशरूम और पैर हाथ धो के बढ़िया से, मतलब पैर के स्नान वगैरह कर लेंगे, क्योंकि गाइज सोखे उठा हूँ इतना लेट। तो चलिए गाइज चलते हैं। ये देखिए हमारा मस्त सा भाभी के हाथ से बना हुआ ये ब्रेकफास्ट आ गया, इसमें पता नहीं क्या ब्रेड का बना हुआ है, चलिए इसको फटाफट से खाते हैं। तो गाइज अभी हमारा वाईफाई बहुत दिक्कत हो गया, तो 3-4 दिन से हमारा वाईफाई चल नहीं रहा था। तो गाइज अभी 2-3 बंदे आए थे वाईफाई ठीक करने के लिए, लेकिन गाइज उन लोगों से ठीक नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं वायर राउटर सारा चीज़ चेंज करना पड़ेगा। तो गाइज अभी कुछ दिन पहले ही हमारा राउटर चेंज हुआ था, तो मैंने बोला ठीक है भैया आप लेके आ जाओ। तो गाइज अभी वो लोग गए लाने राउटर वायर वगैरह सारा, पूरा घर का वो तहस नहस करने वाले हैं अभी। तो गाइज चलिए इसी के साथ, भाभी भी बना रही हैं हमारे लिए। पहले तो गाइज अभी वो बनाया था, क्या बनाया था भाभी भैया, क्या क्या डाले थे उसमें? गाइज देखिए हम लोगों को ब्रेड टोस्ट खिला के खुद ही बिस्कुट चबा रही हैं, और साथ ही गाइज हमारे लिए दोपहर में बना रही हैं छोले, लेकिन वो गाइज उसने कुकर में कैद है अभी छोला, तो आपको मैं वो जब बन जाएगा तो दिखाऊंगा कि कैसा छोला बनाया भाभी ने। ये देखिए हमारे नए मास्टर शेफ जो भाभी के लिए बना रहे हैं, और मास्टर शेफ का ड्रेस देख रहे हैं गाइस, क्या मतलब मस्त सा ड्रेस है, बिल्कुल यही ड्रेस पहन के आप लोग खाना बनाइए अपने घर में। तो भाभी ने सबको बनाए खिलाया है, और भाभी के लिए भैया बना रहे हैं अभी ये ब्रेड टोस्ट, और हमारी अन्नु को यहाँ मिला हुआ है, और दबा दब खाए जा रही है साइड में बैठ के बिना किसी से कुछ बातचीत किए। क्या बात है, इतना भूख लगा बिस्किट को छोड़िएगा नहीं भाभी, आप लगातार बिस्कुट चबाए जा रहे हैं। देखिए भैया एक और बनाने जा रहे हैं। अच्छा ये क्या खुद जो बनाया था आपने, प्याज कितना मोटा मोटा काटा था, ये काटा है मेरे काटे हुए प्याज से, तो तुम लोगों को दिक्कत होने लगी थी अपने प्याज लेके। भैया ये कैसा ओट्स है? ये ओट्स है, पहले मसाला ओट्स नहीं था, इसको मैंने जबरदस्ती मसाला ओट्स बना दिया। क्या डाले इसमें? इसमें जो मसाला उसमें डल रहा था ना, किसमें डल रहा था, छोले में, तो वही मसाला मैंने इसमें भर दिया। इस गाइस तो जा करके ये बन गया प्लेन ओट्स से मसाला ओट्स। ऐसे ओट्स वाइट होता है भैया, पता नहीं क्या इसका वो थोड़ा छोटा है, वो नॉर्मल जो ओट्स हम लोग लाते हैं वहाँ से बिग बाजार से, तो उसका बड़ा बड़ा था ना हल्का सा, वो तो व्हाइट वाला जो रहता है। कौन सा ओट्स है? प्लेन ओट्स। भैया ने प्लेन ओट्स को बना दिया मसाला ओट्स, तो चले टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है, पहले टेस्ट करता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। कितना स्पाइसी बन गया है, नॉर्मल ओट्स को स्पाइसी बना दिया पूरा। नहीं मैं थोड़ा सा तो रखे थे, ज़्यादा स्पाइसी हो गया, गजब का मतलब स्पाइसी लग रहा है खाने में, जीभ लहर गया पूरा। आप कैसे खा रहे पूरा? नहीं ऐसे इतना भी स्पाइसी नहीं, मेरा जीभ लहर रहा है, तुम्हारे जीभ में कुछ दिक्कत होगा। नहीं है, मैं स्नान करके आ गया हूँ, और गाइज मेरे सारे जूते बिल्कुल गंदे थे, बारिश जो कंटिन्यूस हो रही थी, तो मैं मतलब डेली चेंज करके ऑफिस जा रहा था जूते में, तो सारे के सारे जूते मेरे गंदे हुए थे। तो गाइज सारे जूते वॉश किए मैंने, और बाहर गर्मी इतना ज़्यादा है क्या, तो गाइज तो फिर मुझे नहा लिया मैंने, और गर्मी आज इतना लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो भैया चलते हैं गाइस कूलर चालू करके थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि बहुत तेज गर्मी है यहाँ आज, तो क्या बताऊँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी। मैं तो स्नान करके आ गया, लेकिन भैया को आज मिला है घर की पंखों की सफाई करने का ड्यूटी, तो ये देखिए गाइस भैया ऊपर चढ़ के पंखे की सफाई कर रहे हैं, कर दिया सब पूरा कर रहे हैं, एक बार और होगा। भैया देखिए बाल भी कलर करवा के आए भैया, यमीन का गया दाढ़ी वाड़ी सेट करा के बिल्कुल आए हैं बाल वाल। अब देखिए पूरा फैन सफाई कर रहे हैं भैया, अभी अंदर वाला भी फैन सफाई कर रहा है, क्योंकि आज बहुत दिन बाद इनको ड्यूटी मिला है कोई चीज़ साफ करने का। गंदगी इसमें जमा हुआ किचन का भी इसमें, किचन का वो तेल वेल डलता है खाने में तो चिपक जाता है ना तेल वाला फैन, तो इसमें थोड़ा सा अजीब।
तो गाइस भैया ने तो दोनों पंखा बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब टाइम हो गया है हमारे दोपहर के लंच का। तो गाइस बहुत बढ़िया सा लंच आज रेडी हुआ हमारा बिल्कुल। तो चलिए आपको दिखाता हूँ क्या क्या बना है लंच में। देखिए गाइस ये मेरा चावल है और ये छोले, ये पापड़, ये मस्त मैंने भी सैलेड काटा और ये सारे देखिए, ये भाभी का, ये भैया का, ये अल्लू का, देखते क्या मस्त पूरा दिखा रहा हूँ मैं टेबल आपको कि क्या मस्त पूरा टेबल, क्या मस्त खाना हमारा एकदम बिल्कुल भरा हुआ। तो गाइस कमेंट करके बताइए खाना हमारा कैसा लग रहा है आपको, संडे स्पेशल खाना। गाइस चलिए पहले खाना एंजॉय करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। गाइस हम लोगों ने लंच कर लिया है कंप्लीट और गाइस छोले तो बहुत बढ़िया बना था और चिप्स विप्स, लेकिन गाइस जो मैंने सैलेड बनाया था उसमें गाइस मैंने मिर्च डाला था 3 और नींबू वगैरह सब। तो गाइस मैंने बनाया था थोड़ा स्पाइसी बढ़िया सा, उसके बाद वो मिर्च गाइस मैंने ही खा लिया और मुझे इतना ज़्यादा तीखा लगा गाइस अभी तक मुँह लहर रहा है मेरा। मैं पानी, स्प्राइट बहुत चीज़ खा चुका हूँ, पी चुका हूँ, अभी भी गाइस मुँह पूरा लहर रहा है। लेकिन बना बहुत बढ़िया था ना भैया, सैलेड कैसा बना था भैया? सैलेड मस्त था, थोड़ा स्पाइसी था, मजा आ गया था। लेकिन मेरा जीभ सब लहर गया लास्ट में, मिर्च चुभ रहा था पूरा, ऐसा होट पूरा एकदम लहर गया। लेकिन ओवरऑल मजा आ गया है ना? मजा आ गया मतलब दोपहर वाला खाना लगा, संडे स्पेशल खाना मजा आ गया, संडे स्पेशल तड़का खाना खाया। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते चलेंगे। गाइस अभी से वाईफाई वाले को हमने बुलाया था, वो भी आने वाला है अभी, तो अब आएगा तभी तो, क्योंकि वो फिर आराम क्या करेंगे, वो आएगा तो फिर वो तहस वो उखाड़ेगा पूरा तार वार। क्या भैया आएगा तब तो नीचे खड़ा है, हाँ नीचे खड़ा है, नीचे कुछ पोल पे कर रहा है वो, फिर आएगा ऊपर पूरा तार वार निकालेगा, अभी तहस नहस करेगा पूरा। तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे वो तार वार निकालेगा अभी आएगा तब। तो चलिए तब तक, जब तक वो नहीं आ रहा तब तक थोड़ा सा वेट मतलब थोड़ा सा आराम करते हैं गाइस। चलिए देखिए हम लोग लूडो खेलते, भैया पूरा सिस्टम हिला दिए सबका। देखिए उधर भाभी का 3 वो कटा हुआ, इधर अन्नू का 3 वो, मेरा चारों गुट्टी यहाँ कटा हुआ और डैशबोर्ड सिर्फ भैया का 2 गुट्टी और भाभी का 1 गुट्टी, बाकी पूरा का पूरा लूडो का डैशबोर्ड खाली है। चल हम ही सकते हैं सिर्फ, और कोई नहीं चल सकता। तो भैया कैसे कैसे कहाँ से ट्रेनिंग ले लिया, सिस्टम हैक कर लिया, टाइम पास कर लिया। अभी देखो 1 सेकंड, चलो अभी देखो 1-2-3 आएगा इसका, देख जल्दी देख क्या चाहिए, बोलो कौन सा नंबर चाहिए, बताओ। एक क्या करेंगे, लेके छक्का लेने चाहिए ना? 6 नहीं बेटा, 2 आया, 2 यार। गाइस मेरा देखो चारों का चारों अंदर है यार, क्या बताएं। चलिए खेलते हैं, चलो गेम का किस्मत मैंने पलट दिया है, भैया का सारा गुट्टी काट के मैंने अंदर कर दिया। गाइस मेरा निकला और मैंने बिल्कुल धड़ाधड़ उड़ा दिया भैया का, 2-2 गुट्टी, 2 गुट्टी अंदर मेरा भी 2। चलिए गाइस फटाफट खेले, अब विनर बने, विनर मैं हो गया हूँ, विनर जो सबसे आखिरी में 4 गुट्टी था जिसका, वो आज मैं गाइस विनर हो गया, बाकी सब लूजर। अब देखिए सेकंड कौन आया है, जरा भाभी और अन्नू में भैया का तो लल्ली गुट्टी काट दी भाभी, यहाँ पे आकर के भाई साहब मेरा काट दिया गया है यहाँ पे गाइस, तो लल्ली गुट्टी में अब भाभी सेकंड आए थे, भैया का फूक काम आ गया, भाभी कैसा फूके भैया, वही तो आपको काटे थे गुट्टी तो गाइस मैं फर्स्ट, भाभी सेकंड और आज अन्नू फिर से 3rd आएंगी और भैया 4th। तो भाई तो गाइस या तो इन दोनों को पनिशमेंट मिलेगा या तो पार्टी देना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं डिसाइड करते हैं। मेरा 3rd आया ना, तो भाभी उस दिन 3rd और 4th वाले को वो तोरी छिलवाए थे, ठीक है, तो आज आपको पार्टी इन लोगों से दिलवाना पड़ेगा, या तो देख लीजिए जो करना है आपको। मैं फर्स्ट विनर, टुडे आई एम विनर, सबसे पहले मैं जीता था, मैं आप तो हार गए थे, खेल मैंने बदला, खेल मैंने बदला था, खेल खेले, खेल को बदलने वाले हम थे। चलो ठीक है, आज स्नैक बाइट, तो चलिए गाइस लूडो में विनर होने के बाद भाभी ने मस्त सा चाय बनाया, फिर हम लोगों ने चाय वाय पी बढ़िया से, उसके बाद गाइस हम लोग हो गए तैयार अब वहाँ जाने के लिए। तो चलिए गाइस अभी भाभी भी हो रही है तैयार, तो चलिए आपको दिखाता हूँ भाभी को, ये देखिए, और अन्नू भी ये तैयार हो गए देखिए, और ये रही प्यारी भाभी हमारी, भाभी इधर आइए जरा, छुप के खड़े हुए देखिए भाभी, इधर आइए, अच्छा कुछ निकाल रहा है अभी दिखाता हूँ मैं। चलिए कोई नहीं, कह भाभी को तैयार नहीं रहते क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, तो अभी देखते भैया को भी तैयार करवाते, क्योंकि मैं तो तैयार हो गया हूँ, तो निकलेंगे फटाफट।
भैया तैयार हुई। अच्छा भैया तैयार है। ओ भाई साहब गाइस देखिए भैया तैयार होके यहाँ बैठे हैं और आज के लूजर भैया हैं लूडो के जो चार नंबर में आया अपना। नहीं चीटिंग हुआ मेरे साथ, तुम लोग चीटिंग नहीं आप हार रहे हैं। मैं सबसे पहले हम आज का विनर है। तो गाइस चलिए चलते हैं फटाफट से। गाइस मिलिए भाभी से, हम लोग बैठ गए रिक्शा में जाने के लिए अब। और अरे बिल्कुल आप दिख रहे चमक रहे हैं एकदम। देखिएगा इधर अन्नु बैठे हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं गाइस। क्या नॉन वेज खाने का दिन कब आएगा? खाने को मन कर रहा है। दो महीना सावन मले मास अगला महीना पड़ जाता, सावन में क्यों पड़ेगा। पूरा चिकन खाने का मन कर रहा है आपको ना? कोई नहीं एक महीना और वेट कर लीजिए। पूरा अभी पूरा पूरा एक महीना है। आज 30 खत्म हो गया, 31 से लेकर 31st। अब उसके आगे 31 शायद बुधवार को है, फिर बृहस्पतिवार को नहीं खा सकते। 31st के बाद फिर से थर्सडे पर कैसे बंद कर? 31st को है ना राखी, उसी दिन ना सावन खत्म हो। अच्छा देखिए हम लोग आ गए हैं सिप्रा मॉल के बाहर। और गाइस इस मॉल का नाम चेंज हो गया, अब इस मॉल का नाम है अब नॉर्थ इंडिया मॉल। ये देखिए मस्त मॉल है गाइस। ये देखिए हम लोग आ गए हैं मॉल के अंदर। और गाइस आज क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ मॉल के अंदर, देखिए गजब का क्राउड। तो गाइस हमें जाना है अभी नीचे रिलायंस ट्रेंड्स, क्योंकि भाभी को कुछ खरीदना है वहाँ से। तो चलिए गाइस चलते हैं। कहाँ जाना है भाभी? हाँ फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। गाइस देखिए हम लोग आ गए हैं नीचे और अभी हम लोग जा रहे हैं रिलायंस ट्रेंड्स। भैया देखिए वीडियोस बना रहे हैं वहाँ। हम लोग आ गए अंदर और भाभी अभी ड्रेस चूज कर रही है। देखिए इस ट्रेंड से निकल गए बाहर और थोड़ी देर शॉपिंग कर ली हमने। ये देखिए बैग में हमने भी सारा जो सामान शॉपिंग करा वो रख लिया। तो चलिए गाइस चलते अभी ऊपर। गाइस नीचे कुछ गार्डन सा बन रहा है यहाँ पे और अभी ये स्टोर यहाँ पे कुछ बनने वाला भी शायद। अभी थोड़ा सा बस बाहर का लुक रेडी हुआ, बाकी घेरा हुआ चारों तरफ से। अभी ये बनना स्टार्ट हुआ नीचे बेसमेंट में हम गाइस अभी। और ये देखिए रिलायंस ट्रेंड्स यहाँ से निकले हैं और सामने मिस्टर DIY जहाँ पे घर का सारा सामान मिलता है। और ये देखिए भाभी लोग यहाँ पे कुछ ले रहे हैं ममाद से। तो चलिए गाइस चलते हैं अभी ऊपर। लोग सिप्रा मॉल आए हैं और बर्गर ना खाए ऐसा कैसे हो सकता है। गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं और मैकडी में बर्गर खाने के लिए। क्या नो बर्गर खाइएगा ना? तो चलिए गाइस अंदर फटाफट चलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, पहले टेबल लेना पड़ेगा इसकी, बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर। मैकडी में बैठने का बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा सीट फुल है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं टॉप मतलब सबसे ऊपर, यहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है फूड प्लाजा, तो वहीं पर चलेंगे और वहीं पर कुछ मंगाएंगे और खाएंगे, क्योंकि मैकडी में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है गाइस। तो चलिए चलते हैं। देखिए हम लोग आ गए हैं सिप्रा मॉल के ऊपर वाले फूड कोर्ट पे। देखिए यहाँ पे मस्त मस्त शॉप है यहाँ पे, इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे कि मुझे सिटिंग एरिया मिला ही नहीं गाइस हम लोगों को। तो अब बहुत टाइम लगेगा सिटिंग एरिया मिलने में। तो हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे, देखते बाहर ही कुछ खाएंगे गाइस। अभी डिसाइड करेंगे हम लोग क्या खाना हम लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ है ना। इतना सारा जगह ही नहीं मिल रहा, इतना ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए चलते हैं नीचे। गाइस पहली बार हम लोग है ना भैया, पहली बार हम लोग यहाँ से बिना कुछ खाए जा रहे हैं ना। पहली बार यहाँ से कुछ खाए बिना जा रहे हैं, वरना हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही जाते हैं। और यहाँ पर मतलब खाली तो हो जाता है, टाइम लगता बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग रुके नहीं गए। तो अभी हम लोग आ गए हैं नीचे और यहाँ से एग्जिट लेते हैं बस निकलने के लिए। तो चलिए चलते हैं गाइस। तो गाइस बाहर निकल गए हम लोग मॉल से और गाइस बाहर से निकलते इतना गंदा वाला गर्मी लग रहा है बाहर, तो बहुत गर्म गर्म सा हवा लग रहा है अंदर, क्योंकि एसी चल रहा था मस्त, तो मज़ा आ रहा था। तो चलिए गाइस चलते हैं अभी और अभी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ हम लोग क्या डिसाइड करते हैं क्या खाते हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं आदित्य मॉल। सब लोगों का डिसाइड मन हुआ कि हम लोग साउथ इंडियन मतलब डोसा वगैरह कुछ खाएंगे, तो गाइस इसीलिए हम लोग आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और कुछ खाते हैं।
तो गाइज हम लोगों ने अभी वेज नूडल्स विद मंचूरियन किया है एंड चार मसाला डोसा मंगाया अभी। तो गाइज पहले हमने बोला है कि हमारा पहले नूडल्स लेके आओ आप, तो पहले हमारा नूडल्स आएगा देन हमारा चार मसाला डोसा आएगा, तो उसका चलिए मज़ा आएगा खाने में। भाभी भाभी आप यहाँ फ़ोन चलाने आए कि डोसा खाने आए? देखिए गाइज सेल्फी क्वीन को हमारी, और ये सेल्फी किंग, सेल्फी क्वीन, सेल्फी किंग। तो भैया आज आप सेल्फी नहीं ले रहे हैं? हाँ? अरे कैमरा थोड़ा खराब हो जाता है ना इसे बार बार। आज भैया का फोन गिर गया बेचारा का है। भाभी 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 आज भैया का फोन पटकाया वहीं पे, पता है रिलायंस ट्रेंड्स में। ये थोड़ा सा यहाँ पे कवर में ये आ गया ना, तब सो कर के अजीब सा इसको बच गया, स्क्रीन टूटने से तो टूट जाता आपका स्क्रीन। भैया ये कौन, ये क्या है भैया? ये साउथ इंडियन नृत्य, नहीं नहीं वो है साउथ इंडियन भरतनाट्यम जो करता है ना। तो गाइस हम लोग सब लोग वेट कर रहे हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगा, और भाभी अपना फोन में बिजी होके अपना भूख को छुपा रही। आपको भी भूख लगा भाभी? नहीं लगा? नहीं आपको? हमको तो लगा भाई। आपको भूख लगा? मेरे को तो लगा कि यार भूख पेट में थोड़ा चूहा दौड़ रहा। ये रही गाइस इसका मेन्यू, मैं तो वेट कर रहा हूँ फटाफट से, मेरा खाना है। ये देखिए हमारा पहला ऑर्डर वेज मंचूरियन एंड वेज नूडल्स आ गया है, जो कि भैया सर्व कर रहे हैं अभी सबके लिए। तो चलिए गाइस इसको एंजॉय करते हैं और खाते हैं फटाफट से। गाइस देखिए नूडल्स के साथ साथ हमारा एक डोसा भी आ गया है, वो साइड में रखा हुआ अभी, वो डोसा है भाभी का। और ये देखिए ये मिला है मुझे और अल्लू को, और उधर भैया भाभी अपना नूडल्स खा रहे हैं। तो ये देखिए ये मेरा डोसा आ गया है, डोसा सांभर चटनी एंड भाभी लोग अभी नूडल्स ही खा रहे हैं। मैंने कहा अपना नूडल्स त्याग दिया अनु के लिए, क्योंकि मेरा डोसा ठंडा हो रहा था क्या अनु। तो चलिए गाइस खाते हैं इसको। ये बचा हुआ डोसा ख़त्म होने के बाद भी ये बचा हुआ सांभर पी रही है बिल्कुल। सांभर आपको इतना अच्छा लगता है भाभी? अच्छा लग रहा है ये वाला। अच्छा बोलो, केला का पत्ता है, आर्टिफिशियल केला का पत्ता। तो गाइस सबका डोसा हो गया है ख़त्म, तो बस भाभी बस हेल्दी होता है इसलिए। तो चले निकले यहाँ से। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर, और गाइस बाहर इतना ज़्यादा गर्मी है ये पूरा पसीना दिख रहा है। चले गाइस फटाफट चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और आते हैं फिर। तो गाइस पैर हाथ धोने का गर्मी इतना ज़्यादा है गाइस यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं आपको। तो गाइज आज दिन भर मतलब सुबह से तो हम लोग ऐसे बिजी थे, फिर लूडो वूडो खेलने लग गए और फिर शाम को बाहर चले गए, तो आराम करने का थोड़ा सा मौका नहीं मिला गाइज। तो रात भी काफ़ी हो गई, रात के 11:30 बज गए। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि अब चलते हैं सोने। तो गाइज आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लेकर बाय, गुड नाइट।